सभी भाई बोले हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और आने वाले वक्त में इसी आज जरूरत क्या पड़ेगी। सबसे पहले तो समाचार भारत में आपको क्या था कार्यक्रम आज इसको लेकर के 2000 और बड़े बड़े संविधान आपको कैसे लगा कि संविधान और संविधान को बचाने के लिए समाज को जागरूक होना पड़ता है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो पूरा भारत का विपक्ष बोल रहा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि हमारा भारत का लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। और मैं तो सांसद रह चुकी हूँ, आप देख रहे हैं संविधान में जो कानून बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था, तमाम विभाग बना करके समाज के लोगों को नौकरी देकर उनको आगे बढ़ाने का काम किए थे, वो सारा विभाग को खत्म कर दिया गया। शिक्षा विभाग प्राइवेट हो गया, बिजली विभाग प्राइवेट हो गया, स्वास्थ्य विभाग प्राइवेट हो गया, रेल विभाग प्राइवेट हो गया, एयरपोर्ट भी किया, तमाम हमारे अधिकार खत्म कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी पारित हो गया कि पिछड़ी जाति के आरक्षण का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। आरक्षण में भी जो नौकरी अब दी जा रही है प्राइवेट सेक्टर में, उसमें आरक्षण की व्यवस्था ही खत्म कर दी गई। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो कानून बनाए थे, अधिकार बनाए थे, उसे बहुत बारी किसी समाप्त किया जा रहा है। आप भी भाजपा के सांसद 2014 से 2019 तक आपने बहुजन समाज के लिए काफी संघर्ष किया, बाद में आपने इस्तीफा दिया, क्या चल रहा था सांसद संसद के बीच और भाजपा और आरएसएस के बीच, जिसको आपने देखा समझा और भाई जमीन स्तर पे कि हमारा बहुजन समाज खतरे में है, उसको लेकर के आपने इस्तीफा दिया? जब मैं लोकसभा सांसद बनी 2014 में तो कुछ दिन तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई तो मैंने भारत का संविधान निकाला और संविधान में देखा कि बहुत सारे कानून खत्म कर दिए गए और डेली एक न एक बिल आकर के कानून खत्म की जा रही है। क्योंकि मैं सांसद रहते हुए कई समिति की सदस्य भी रही और तमाम प्रदेशों में मैं गई और सर्वे भी किया, और इसके बाद जब लोकसभा में जब बिल पास होने लगे, हमारे कानून खत्म होने लगे, तभी से मैं सदन से लेकर के सदन तक आवाज उठाया। लगातार मैं आवाज उठा रही हूँ और ये अकेले मैं नहीं उठा रही हूँ, भारत का सभी विपक्ष उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी उठा रहे हैं, सामाजिक संगठन के लोग उठा रहे हैं, और मैं तो लोकसभा की सांसद रही हूँ, मैं तो देख रही हूँ कि हमारा संविधान खतरे में है। संविधान खत्म करना चाह रहे हैं और किस वजह से खत्म करना चाह रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं ओबीसी हूँ, सीधे सीधे जहाँ जाते हैं मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं ओबीसी हूँ। वो एक सिंपैथी लेते हैं और एक अपनी स्ट्रेटेजी समाज में लागू करते हैं। कौन संविधान खत्म कर रहा है और किस इस संविधान खत्म होने से किसको फायदा है, किसको नुकसान होगा? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। भारत के संविधान में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सबको बराबर का हक है, सबको बराबर का अधिकार है, जिसे उसी कानून को खत्म किया जा रहा है जिसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी कृषि कानून बिल आया जिसको लेकर पूरे भारत में आंदोलन हुआ, तमाम लोग मारे भी गए, तमाम लोग गंभीर धाराओं में जेल भी गए, आज भी जेल में है। ये कानून बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान में सबको व्यवस्था दिए थे, जमीन के हकदार बनाए थे, आज कृषि विभाग को भी खत्म किया जा रहा है, शिक्षा विभाग आप देख रहे हैं कि जो कक्षा एक से बच्चे बी एंटर LLB करते थे उनको सरकार छात्रवृत्ति देती थी, अब वो छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है, फीस इतनी महंगी हो गई, तमाम रोजगार के लिए परेशान है। बाबा साहब ने नौकरी दी थी, आज बेरोजगार लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनका परिवार के जीवन यापन कैसे होता है? जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय गरीबों के बीच में जिनका एक घर में 10 परिवार है, 15 परिवार है, उनके बीच में गल्ला दिया जाता है, नमक दिया जाता है, चावल दिया जाता है, आटा दिया जाता है, तेल दिया जाता है, क्या एक लीटर तेल में उसका घर पूरे महीने का वो तेल चलेगा? क्या एक महीने में उतने ही गल्ले में क्या उसका पूरा परिवार एक महीना चल पाएगा? ये गरीबों के साथ मजाक नहीं क्या है? जब संविधान में सबका बराबर का अधिकार है तो किसी कोई अरबपति बनता जा रहा है, बड़ा बड़ा होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो ये कानून फिर कौन लागू किया है?
बड़े को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ के सैकड़ों पार्टियाँ हैं, बाबा साहब ने संविधान बना के दिया, आरक्षण सीट दिया, वही आरक्षण सीट से एससी एसटी ओबीसी चुनाव लड़ करके जाते हैं, जब पार्लियामेंट में जाते हैं, समाज में पहले जमीनी स्तर पे तो बाबा साहब की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में एसटी ओबीसी के सांसद आए हैं, अगर उनको ये लग रहा है कि हमारा संविधान खत्म खतरे में है या खत्म हो जाएगा, तो क्यों नहीं वो आवाज उठा रहे हैं? क्योंकि आप तो वहाँ पे थी, मैं तो देखा था कि आपके अलावा और कोई सांसद नहीं बोलने के लिए तैयार था, तो किस चीज का डर था? अगर वो आज संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, तो संविधान ही का देन है, संसद में पहुंच जाते हैं उनकी आवाज क्यों चुप हो जाती है? मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भारत के संविधान में कानून दिया, आरक्षण दिया, जिसके तहत सांसद विधायक लोकसभा में पहुंचे, और वो आज चुप है, इसीलिए जनता उनको इस बार इंतजार भी कर रही है कि अगर वो समाज के बीच में आएंगे तो सवाल उनसे पूछे जाएंगे और जनता उनको तिरस्कार करेगी। अब नेता पीछे हैं, जनता आगे है, इसलिए कि जो भार है भारत के गरीबों पर पड़ रहा है और गरीब ही सबसे ज्यादा तड़प रहा है, और गरीब की आवाज को लोकसभा में विधानसभा में नहीं उठा रहे हैं, जिसके नाते गरीब तबाह हो रहा है, कमजोर हो रहा है, बेरोजगार आज रोजगार के लिए तड़प रहा है, उनसे सवाल अब जनता सवाल करेगी। आज जो हम लोग आए हैं इसीलिए आए हैं, जब मैं सांसद में थी, लोकसभा में थी, तो हमारे ऊपर भी प्रतिबंधित, हमें भी प्रतिबंधित किया गया कि आप सरकार में हैं, सत्ता के विरोध में ना बोलेंगे, सरकार के विरोध में नहीं बोलेंगे, पार्टी के विरोध में नहीं बोलेंगे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान दिया, आरक्षण की व्यवस्था थी, तभी तो वे सांसद बन करके पहुंची है, और बाबा साहब के लिए चाहती कि जब आरक्षण के तहत लोकसभा में विधानसभा में जब बहुजन समाज के लोग पहुंचेंगे और संविधान को समझेंगे, तो संविधान को लागू कराने की बात करेंगे, संविधान में दिए गए कानून को लागू कराने की बात करेंगे। तो मैं जब सांसद बनकर के लोकसभा में गई और संविधान को मैंने समझा, कानून को समझा, तो उस कानून को लागू कराने की मैंने मांग की, और जब मेरी बातों को अनसुनी किया, तभी तो मैंने सांसद को छोड़ा, तभी तो मैंने बीजेपी को छोड़ा, और तभी तो पूरे भारत में घूम करके समाज को जगाने का काम कर रही हूँ, और मैं बता भी रही हूँ कि जो सांसद आज भारत में सबसे ज्यादा सांसद दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, आदिवासी समाज का है, महिला समाज का है, अभी सारे लोग इकट्ठा हो जाए तो सरकार उनकी गिर जाएगी, और अगर ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं तो 2024 में, इसीलिए हम समाज को तैयार कर रहे हैं कि जब वो हमारी आवाज को लोकसभा में नहीं उठा सकते तो लोकसभा जाने के लायक है ही नहीं। कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी संगठन है वो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन चुनाव के समय सांसद जी सब एक मंच पे आ जाते हैं, लेकिन बहुजन समाज के जितने भी संगठन है, जितने भी पार्टियां, ओबीसी के लोग हैं, 27% आरक्षण उनका है, 24% इनका है, 49% आरक्षण लेते हैं, लेकिन चुनाव में ये अलग अलग चुनाव लड़ करके इसकी फायदा सीधे सीधे भाजपा को हो जाता है। आखिर में इनका क्या कारण है जो एक मंच पे नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, मैंने देखा है कि लोग कहते हैं एक मंच पे नहीं आ रहे हैं, मैं तो 26 नवंबर 2021 को लखनऊ में बहुत बड़ी रैली करी थी कांशीराम आकर्षक के उपन में, और उस कार्यक्रम में मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के पौत्र को बुलाया था। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के पौत्र कभी किसी कार्यक्रम में नहीं जाते थे, लेकिन मैंने कहा कि भाई हमारा संविधान खतरे में है और संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया है, तो संविधान को बचाने के लिए मैं अपील कर रही हूँ कि आप कार्यक्रम में आए। संविधान दिवस पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पौत्र भी आए, घनश्याम साहब जी की बहन अभी आई, पल्लवी पटेल को मैंने बुलाया, ओम प्रकाश राजभर को मैंने बुलाया, लालजी वर्मा को मैंने बुलाया, तमाम इस तरीके से तमाम 105 संगठन के लोगों को हमने मंच पर इकट्ठा किया, और जब मंच पर इकट्ठा किया उसी का देन है। तो उत्तर प्रदेश में 2x2 चुनाव हुआ, आपने देखा, 2x2 चुनाव हुआ, ये मेरे देन है, ये मैंने सबको इकट्ठा करने का काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि 2022 में तो जो चूक हुई है उससे हमने सबक सीख लिया है, अब 2024 में वो चूक नहीं होगी, और 2024 में इससे बड़ा महासंघ हमारा बनने जा रहा है, जो 2024 में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुजन समाज एक मंच पर होगा, और जो नहीं आएगा उसको जनता अपने आप पीछे कर देगी, और जो या तो बीजेपी का विकल्प बनेंगे या तो विकल्प के साथ हम खड़े होंगे, इसलिए कि हमें संविधान बचाना है। हमें पता है कि संविधान अगर नहीं बचा तो हमारी आज़ादी नहीं बचेगी, इसके लिए हम सबको इकट्ठा करने का कार्य कर रहे हैं। अब जनता आगे है, नेता पीछे है, जो नेता एक मंच पर नहीं आएंगे जनता उसे नकार देगी, वो नकारने का काम 2022 में जनता ने कर दिया।
तो ये थी सावित्री बाई फुले जी का साफ कहना है कि 2022 में चूक हो गई, 2024 में चूक नहीं हुआ। और बहुजन समाज के जितने भी पार्टी जितने भी संगठन हैं, 2024 से पहले हम एक मंच पे लाकर के और एक ऐसी रणनीति तैयार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंकेंगे और भारत का संविधान जो खतरे में उसको बचाएंगे। तो इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम था, संविधान बचाओ, समाज बचाओ, बहुजन मंच। तो अब देखना है कि 2024 से पहले क्या रणनीति तैयार होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि भाजपा से निपटने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां एक मंच पे होंगी कि अलग अलग चुनाव लड़कर फिर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता में भेजेंगे। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, सिद्धार्थनगर।